तो गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही ठीक ठाक होंगे। सो गाइस आज के इस वीडियो में बात करेंगे डाइक्लोविन प्लस टैबलेट के बारे में, इसका यूज़ डोज, इसका साइड इफेक्ट, प्राइस में इस वीडियो में बताने वाला हूं। शुरू से अंत तक वीडियो देखते रहिए। आप लोग पहले भी इसका नाम सुना होगा और पहले भी आप लोग इस्तेमाल किया होगा। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। डाइक्लोविन प्लस बेनिफिट्स एंड यूज इन हिंदी। दोस्तों डाइक्लोफिन एक दो दवाओं से बना है। दोस्तों डाइक्लोफिन एक में 50 mg होता है। यो NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के रूप में जाने जाने वाली दवा है। यह आमतौर पर दर्द और सूजन के उपचार में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पैरासीटामोल 325 mg होता है। पैरासीटामोल दवा का एक वर्ग है जिससे एंटीपायरेटिक्स के रूप में जाना जाता है। यह दोनों एनर्जेसिक दर्द और निवारक दवा है। दोस्तों अब बात करेंगे, तो चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं किस बीमारी में यूज कर सकते हैं। दोस्तों जोर में दर्द में भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों किसी को सिर दर्द होती है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों दांत में दर्द उसमें भी यूज कर सकते हैं। कमर दर्द उसमें भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों किसी को बदन दर्द उसमें भी यूज कर सकते हैं। मांसपेशियों में दर्द, गाउट, असिस्टी अर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस, इस कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये एक जेनरिक मेडिसिन है। इसके कुछ ब्रांड आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी, बहुत ही आसानी से आप उसे खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी इसका यूज करें अपने डॉक्टर से परामर्श कर ले, उसके बाद इसका यूज करें, अन्यथा गंभीर हो। तो दोस्तों आप बात करेंगे इसका कंपोजिशन के बारे में, इसमें क्या क्या कंपोजिशन डाला हुआ है। तो गाइस देख सकते हैं डाइक्लोफिनेक सोडियम एंड पैरासीटामोल डाला हुआ है। बहुत ही आसानी से मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं या परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे इसका कंपनी के बारे में। तो गाइस देख सकते हैं विंग्स फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड ने मैन्युफैक्चरिंग किया है। बहुत ही अच्छा कंपनी है, बहुत ही पुराना कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करेंगे इसका यूजेस के बारे में। दोस्तों डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में ये मिलने वाली दवा है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसका यूज ना करें। दोस्तों फिर भी दिन में 2 टाइम यूज कर सकते हैं, सुबह और शाम में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे इसका प्राइस के बारे में। बहुत ही कम प्राइस में आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी, 20 रुपीज़ में आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी, बहुत ही आसानी से आप वहाँ से खरीद सकते हैं। बात करेंगे डाइक्लोविन प्लस साइड इफेक्ट इन हिंदी। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ डाइक्लोविन प्लस के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो इस प्रकार आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकती है, जैसे कि जी मिचलाना, कब्ज, दस्त, पेट दर्द, उल्टी, पेट में जलन, ये सब आपको थोड़ा सा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे डाइक्लोविन प्लस कंट्राइंडिकेशन इन हिंदी। दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसमें आप डाइक्लोविन प्लस टैबलेट यूज नहीं कर सकते, जैसे कि दमा, गुर्दे की बीमारी, दिल का दौरा, इस सब अगर आपको पहले से बीमारी है तो प्लीज़ इसका यूज ना करें, अन्यथा गंभीर हो सकता है, लेकिन डॉक्टर उचित समझे तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, और इससे भी अच्छी अच्छी मेडिसिन के बारे में जानने में अगर आपको इंटरेस्टिंग है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो गाइस मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।